तो ये अतर को लगवाना था, शिव जी का त्रिशूल बनवाना था अपने फोरहेड पे। बम बम बोले। नहीं नहीं ठीक है भैया, वही इधर देखो सर, वेरी नाइस। ठीक हो, अच्छे हो, सब अच्छा है, सब स्वस्थ हो, मस्त हो। तो आज जैसे कि मैंने कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम बनारस पहुंच चुके हैं, तो आज बनारस में फर्स्ट डे है और अब हम जा रहे हैं घूमने। तो आज पता नहीं कहाँ कहाँ देख पाएंगे। एक तो सबसे पहली बात, यहाँ पे सारे रोड्स में बहुत रश रहता है, बहुत छोटे छोटे रोड्स हैं, तो जिसके वजह से बहुत शोर रहता है, तो हर जगह पे शायद मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, पर हाँ कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं ब्लॉग बना लूँ। तो आज हम पहले जाएंगे काशी विश्वनाथ, जो मतलब जिसके लिए बनारस सबसे फेमस है। तो हम जाएंगे काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ से निकल के हम जाएंगे संकट मोचन, और फिलहाल का ये दोनों प्लान है हम लोगों का। फिर शाम को हमें देखना है अस्सी घाट में आरती, तो उस हिसाब से हम चलेंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ ब्लॉग बना पाते, क्योंकि यहाँ पे किसी भी मंदिर में किसी भी जगह पे फ़ोन अलाउड नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाने की, थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाने की। देखते हैं कैसे जाता है आज के दिन, तो मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ। तो ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, और यही से एंटर करना होता है, ये गेट है। और ये मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि कैसे लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे दर्शन के लिए। तो ये है जो जनरल लाइन लगती है, और वो बहुत लंबी होती है, बहुत दूर से लगती है, पर क्योंकि हम किसी नोन के थ्रू एंटर कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी एंटर कर लेंगे। तो अब दर्शन के बाद हम करेंगे कुछ बनारस की डिश ट्राई। अच्छा, तो ये मलाइयो है, मलाइयो बोला उन्होंने, ओके, जो खाने में बिल्कुल चाक जैसा टेस्ट है इसका, पर अच्छा है। हाँ, मीठी चाक, हाँ, हल्का सा ये रबड़ी जैसा टेस्ट है, पर बिल्कुल झाग है, गुड़िया के बाल जैसा टेस्ट है। टेस्टी है सर, कितने का है? 100 रुपए किलो, नमक डाल दिए। तो अब हम खा रहे हैं यहाँ पे अमरूद बनारस का, जो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत टेस्टी सा है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं संकट मोचन मंदिर, यहाँ से हम एंटर करेंगे। और तो यहाँ पे है कि फोन सबमिट करना होगा हमें। तो गाइस, हम लोगों ने संकट मोचन का दर्शन कर लिया है, और अब लगी है बहुत तेज भूख। तो अब आए हैं हम बनारस का स्पेशल पूरी, और क्या है, कचौड़ी, कचौड़ी, कचौड़ी जलेबी खाने। और यहाँ शोर बहुत है, तो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो आज हम चल रहे हैं लोकल ऑटोज में, और हमने गाड़ी नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, तो गाड़ी लेके फंस सकते हैं हम लोग, इसलिए हम ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं आज। और अथर बहुत मजे कर रहा है। अथर, अच्छा लग रहा है आपको? बढ़िया नाश्ता भी लिया। हाँ, बढ़िया नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। तो अथर ने आज नाश्ते में खाया क्या? पूरी कचौड़ी जलेबी। ये सतर ने बहुत सारे कचौड़ी खा ली है, अब अतर का पेट भर गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग शाम को निकलेंगे अस्सी घाट में गंगा आरती देखने के लिए, तो अब हम निकले हैं, और
जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वो एकदम पास ही है, गंगा जी के पास है एकदम। तो हमने एक बोट वाले से भी बात कर लिया है, हमारे कुछ नोन के थ्रू हमने बात किया है, तो वो बोट वाले ने हमें 5:30 को बुलाया है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं और तो अब हम पहुँचने वाले हैं गंगा घाट, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं गंगा आरती। तो चलो, थोड़ा सा वॉक करना मुश्किल होता है यहाँ पे, वीडियोस बनाना भी बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत शोर होता है रास्ते में, और जनरली लोग सारे, तो हर रास्ते में, हर गली में से ऑटो रिक्शा बाइक स्कूटर सारे जाते हैं, और गलियां बहुत छोटी छोटी है यहाँ पे, तो शोर बहुत होता है। तो चलो, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए गंगा घाट, तो दिखाते हैं आप लोगों को गंगा आरती। बस यही से आगे है, तो ये रास्ता फिर भी थोड़ा सा चौड़ा है, इतना नहीं है, पर बाकी रास्ते में दोपहर को हम जब घूमने गए थे तो हर रास्ता बहुत ट्रैफिक वाला था। तो यहाँ देखो कितने चहल पहल है। हाँ, ओ भाई साहब, देखो बहुत प्यारा लग रहा है ये गंगा घाट। तो हम जा रहे हैं अभी नाव में, नाव वाले भैया हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कौन सा वाला? ये खाली वाला, ये वाली है। और ये इसमें देखो नाव में चाय भी मिल रही है। दीदी, वाह, अब मजा आएगा थर। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं बहुत अच्छा व्यू दिखाने वाली हूँ। क्या है, चाय? अच्छा, गंगा ले लो एक। अच्छा, वापस आके बीच में आके फिर करना होगा हमें। अच्छा, तो गाइस, अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छा व्यू दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अब जो नाव से आरती देखने का मजा आएगा, या फिर नाव से जो घाट का जो व्यू होता है वो बहुत अच्छा होता है। और मैं बहुत साल पहले आई थी, 12-13 इयर्स पहले आई थी, तो अब बहुत चेंज हो गया है चीज़ें। तो आज जैसे हम काशी विश्वनाथ गए थे, तो वो मंदिर मोदी जी ने इतना अच्छा बना दिया है, मतलब बहुत खूबसूरत हो रखा है वो मंदिर अभी। आई स्टिल रिमेम्बर उस टाइम पे कैसा था, और आज वो मंदिर कितना चेंज है, कितना अच्छा है। तो वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी व्यूज़, और होपफुली अभी मैं बहुत अच्छा व्यू दिखा पाऊँ आप लोगों को गंगा घाट की। तो चलो, करते हैं नाव की सवारी और दर्शन कराते हैं आप लोगों को हमारे साथ भी। ब्राइटनेस बढ़ा देना। यार, एक दो जैकेट पास कर दोगे? तो अब सारे लाइव जैकेट्स पहन रहे हैं। देखो, अथर्व का? अथर्व को नहीं करना है ही नहीं बच्चों की। तो हमारा बोट स्टार्ट होने वाला है अभी। उसमें देखो
सो ये क्रूज है गाइस, और इसका एडवांस बुकिंग करवाना होता है ऑनलाइन, और हमने बहुत कोशिश करी थी पर हमें मिली नहीं। तो अब यहाँ पे सारे नाव इकट्ठे हो रहे हैं आरती देखने के लिए। तो ये सारे नाव आके यहीं पे जो है एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं और यहीं से आरती दर्शन करते हैं। और यहाँ पे ये क्रूज का व्यू देखो, अमेजिंग। तो यहाँ पे देखो नाव आए जा रहे, और कितने लोग हैं इस आरती के दर्शन के लिए। हम तो गए हैं। एयरटेल का नंबर है, देखो जी एयरटेल का नंबर है। से जाना था, अंदर आप पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हम कैसा लगा आपको थर? अच्छा, मजा आया। मजा आया? नहीं आता, पर डर लगा। डर लगा था बोट में? बहुत डर गया था। मजा आ रहा था। लाइफ जैकेट चाहिए थी। तो गाइस आज मुझे मतलब गंगा दर्शन आरती दर्शन करने आके मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि एक तो गंगा माँ की दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से आरती देखा हम लोगों ने। उसके बाद आज मुझे यहाँ पे आके मेरी एक फ्रेंड मिली जो खुद एक यूट्यूबर है, और मैं उनसे मिलाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो ये प्रीति है, और इनका चैनल है दी प्रीति लाइफ के नाम पे। तो प्लीज गाइस मेरे साथ इनको भी फॉलो कीजिएगा, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इनको सपोर्ट करिएगा। इनका न्यू चैनल है, ये बहुत अच्छा जल्दी सपोर्ट करिए हम लोगों को, और मैं बहुत सारा प्यार दूंगी। और मैं इनके चैनल का लिंक भी शेयर कर दूंगी नीचे, ताकि आप लोग इनको शेयर फॉलो कर पाओ। इंस्टा पे भी मैं इनका लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि आप इंस्टा पे भी इनको फॉलो कर पाओ। तो गाइस अब हम आए हैं काल भैरव मंदिर, काल भैरव जी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो अभी हमने सोचा कि हम एक साथ डिनर कर लें, क्योंकि रात के 9:30 बज चुके हैं अभी। तो हम अभी डिनर करके एक साथ चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, डिनर करेंगे और करके हम फिर रूम में रिटर्न चले जाएंगे। तो चलो देखते हैं खाने में क्या खाते हैं, और ये ऑटो वाले भैया हैं जो हमें एक अच्छे से जगह खाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो चलते हैं वहाँ पे खाते हैं, बहुत गए हैं, फिर उसके बाद में रूम में वापस चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आए हैं यहाँ पे अब एक रेस्टोरेंट में जो गंगा के किनारे है, और यहाँ पे अभी हम डिनर करेंगे फटाफट। जगह बहुत प्यारा सा है, और है कि ये गंगा के बिल्कुल किनारे है, और बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। तो फटाफट हम खाना खाएंगे, क्योंकि थक बहुत गए हैं। तो फटाफट खाना खाते हैं और खा के निकलते हैं घर के लिए। तो फ्रेंड्स चलो हमने खा लिया है खाना, और निकल रहे हैं अभी हम वापस अपने रूम में जा रहे हैं, और रास्ते पूरे शांत हो चुके हैं, अभी फटाफट जाएंगे। और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं कल सुबह एक और ब्लॉग में, बनारस के कुछ और यादों को लेके। तो चलो स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।